सुप्रभात बच्चों, अभी तक हमने क्या किया था? पुस्तक में काल किया था ना पाठ 7 का, और उसे अच्छे से पढ़ा था। चलिए अब हम लोग कॉपी में कार्य करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है, अपनी कॉपी में पहली लाइन में एक शिरोरेखा खींचनी है और बीच में लिखना है पाठ 7, फिर एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, चांद की कहानी। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, डेट डालेंगे यानी दिनांक डालेंगे और यहाँ पर कक्षा कार्य लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो क्या है, कठिन शब्द। आपको पुस्तक पढ़ाते समय मैंने बहुत सारे कठिन शब्द को अंडरलाइन कराया था, उसके नीचे रेखा की जाई थी ना। तो चलिए अभी हम कठिन शब्द लिखते हैं। आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में 3 टाइम लिखना है। कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, आकाश आकाश आकाश। ऐसे ही आप लोग को इन सारे कठिन शब्दों को 3-3 बार अपनी कॉपी में लिखना है। पहला क्या है, आकाश, दूसरा चक्कर, तीसरा देखो क्या है, प्रकाश, फिर वास्तव, फिर पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा को मैंने बताया था ना कि जब चांद पर पूरी रोशनी पड़ती है तो उस रात को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या जब चांद पर बिल्कुल भी रोशनी पड़ती है नहीं पड़ती है ना, और रात अंधेरी हो जाती है, तो उसे हम अमावस्या कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखना है हमको, आर्म स्ट्रॉन्ग। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे और ये चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। इन सभी कठिन शब्दों को आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखिए, तो सारे बच्चे इन सभी को अच्छे से सुंदर सुंदर 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है ना, आप इसे सुंदर सुंदर लिखिएगा। चलिए इसके बाद श्री पेश पे फिर क्या करेंगे, सबसे ऊपर लाइन में एक शिरोरेखा खींचेंगे, फिर 1, 2, 3, 4, फिर चौथी लाइन में एक शिरोरेखा खींचेंगे और बीच में लिखेंगे शब्द अर्थ। यहाँ पे देखो पहला शब्द हमारा है सतह। सतह, सतह माने मैंने आपको बताया था ना धरातल, हाँ सतह माने धरातल होता है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, धरातल। दूसरा है धरती, धरती माने पृथ्वी, धरती का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। सतह का अर्थ क्या होता है, धरातल होता है, धरती का पृथ्वी। इसके बाद देखो प्रकाश, प्रकाश का क्या होगा, रोशनी। प्रकाश का अर्थ क्या होगा, रोशनी। और आकाश का क्या होगा, आसमान। आकाश का अर्थ होता है आसमान, ठीक है। आपको ये सारा जो है शब्द अर्थ अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम क्या लिखने वाले हैं, प्रश्न उत्तर। भी हम एक हेडलाइन बनाएंगे पहली लाइन में और चौथी लाइन में एक लाइन खींचेंगे और बीच में लिखेंगे प्रश्न उत्तर। आप सबने बना लिया ना, प्रश्न उत्तर लिख लिया। अब ये देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। हमेशा हम लोग एक छोटी लाइन में लिखेंगे और एक उंगली का अंतर देते हुए लिखेंगे। पहला प्रश्न है, चांद हमें छोटा क्यों दिखाई देता है, आपको बताया गया था ना। तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं एक छोटी लाइन छोड़ने के बाद। उत्तर है, पृथ्वी से हजारों मील दूर रहने के कारण चांद हमें छोटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि चांद जो है पृथ्वी से हजारों मील दूर होता है, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 2 पे। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 पे क्या है, चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। यहाँ पे फिर एक लाइन छोटी लाइन छोड़ा ना हमने, फिर दूसरी छोटी लाइन में लिखा, चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। आप सबको पता है ना, चलिए अब हम इसका उत्तर फिर एक छोटी लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे, चांद पर जाने वाले अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, ठीक है। अब फिर से देखो, चांद पर जाने वाले अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे।
आप लोग सुंदर सुंदर लिखना और हमेशा एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर तीन। देखो क्या है, चांद इतना क्यों चमकता है। प्रश्न नंबर तीन देखो क्या है, चांद इतना क्यों चमकता है, आपको पता है ना। चलिए अब हम इसका उत्तर लिखना शुरू करें। चांद की सतह पर सूरज का प्रकाश पड़ता है जिससे चांद इतना चमकीला दिखाई देता है। क्या लिखेंगे, चांद की सतह पर सूरज का प्रकाश पड़ता है जिससे चांद इतना चमकीला दिखाई देता है। आप लोग हमेशा याद रखना कि एक एक उंगली का अंतर देते हुए लिखोगे, सुंदर सुंदर लिखोगे, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर चार क्या लिखा हुआ है, पूर्णिमा किसे कहते हैं। ये देखो प्रश्न नंबर चार, पूर्णिमा किसे कहते हैं, आपको पता है ना। चलिए एक लाइन छोड़ के हम उत्तर लिखते हैं, जिस रात पूरे चांद पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो पूरा चांद दिखाई देता है, इसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा कैसे कहते हैं, जिस रात पूरे चांद पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो पूरा चांद दिखाई देता है, इसे पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर पाँच पे, चांद की रोशनी किससे मिलती है। चांद को रोशनी किससे मिलती है, हाँ एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे, चांद को रोशनी सूरज से मिलती है। आप लोगों को पढ़ाया गया था ना, बताया गया था ना, चांद को रोशनी किससे मिलती है, चांद को रोशनी सूरज से मिलती है। इतना आप लोग कर लेना बच्चों। और इसके बाद आपका गृह कार्य क्या है, देखो तो गृह कार्य है चांद का चित्र बनाइए। ये तो आपका लिखित कार्य है, लेकिन इसके साथ ही आपको क्या क्या करना है, आपको शब्द अर्थ प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से तैयार करना है और पुस्तक अभ्यास भी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है ना। आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा सब कुछ और सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया ना, धन्यवाद बच्चों।